हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अकाउंटिंग स्क्वायर में। तो आज हमारा टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म, जिसमें हम अकाउंटिंग के डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्सों के बारे में जानेंगे। तो मेरा फर्स्ट एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, कैपिटल है, एक्सपेंसेस है, इनकम है, डेटर है, क्रेडिटर है, गुड्स, स्टॉक, परचेज, सेल्स, ट्रांजेक्शन, ड्राइंग्स, डेबिट एंड क्रेडिट, इन सब के बारे में जानेंगे। तो मेरा फर्स्ट है एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? दैट आर द रिसोर्सेस ओन्ड बाई ए कंपनी एंड विच हैव फ्यूचर इकोनॉमी वैल्यू दैट कैन बी मेजर एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मनी। एसेट क्या होता है? जो कि कंपनी जिस जिसका ऑनर होता है एंड विच जिसको फ्यूचर में कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होता है इन टर्म्स ऑफ मनी, जो मनी के रूप में जिसको हम इजी से कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारा एसेट्स होता है। एग्जाम्पल जैसे कि कैश, इन्वेस्टमेंट, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंचरी, सप्लायर, लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट एंड व्हीकल, इन सब को हम बाद में जगह कैश में ट्रांसफर कर जिसको हम कैश में ट्रांसफर कर सकते हैं, वो सभी हमारा एसेट्स है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स होते हैं। टैंजिबल एसेट जिसको हम छू सकते हैं, वो टैंजिबल एसेट होते हैं। करंट एसेट, करंट उसको बोलते हैं जिसको हम विद इन द 1 ईयर उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनटैंजिबल एसेट जिसको हम छू नहीं सकते हैं, जैसे कि गुडविल, पेटेंट्स, और फिक्स्ड उसको बोलते हैं जिसका वैल्यू फिक्स होता है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, ये लॉन्ग टर्म के बाद ही इस लोगों का वैल्यू में चेंज होता है। तो ये सब हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं। सेकंड में आते हैं हमारे लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज इज ए लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन पेबल टू अनदर एंटिटी। लाइबिलिटीज आर इनकर्ड इन ऑर्डर टू फंड द ऑनगोइंग एक्टिविटीज ऑफ ए बिजनेस। लाइबिलिटीज क्या होता है? लाइबिलिटीज एक तरह से हमें जिसको पेमेंट करना रहता है, वो हमारा लाइबिलिटीज होता है। लेबिलिटीज में ऑनगोइंग एक्टिविटीज को भी शामिल करता है, जैसे वर्क इन प्रोग्रेस। एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल और लेबिलिटीज आर अकाउंट पेबल, एक्यूरेट एक्सपेंसेस, वेजेस पेबल एंड टैक्स पेबल एट्सेट्रा। तो एग्जाम्पल से भी पता चल रहा है कि जिसको हमको पेमेंट करना है, वो हमारा लेबिलिटीज होता है। टाइप्स ऑफ लेबिलिटी, नॉन करेंट एंड लॉन्ग टर्म लेबिलिटीज। तो नॉन करेंट और लॉन्ग टर्म लेबिलिटीज जिसमें जिसमें हमारा आता है डिवेंचर आता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए जाता है। करंट और शॉर्ट टर्म लेबिलिटीज क्या होता है? जिसको हम विद इन द 1 ईयर उसको पेमेंट करते हैं, जैसे क्रेडिटर, पेबल, बिल्स पेबल। और हमारा तीसरा है कैपिटल। कैपिटल इज ए लार्ज सम ऑफ मनी विच यू यूज टू स्टार्ट ए बिजनेस और विच यू इन्वेस्ट इन ऑर्डर टू मेक मोर मनी। कैपिटल एक लार्ज मनी होता है जो कि हम इन्वेस्ट करते हैं मोर मनी, ज़्यादा पैसा बनाने के लिए या फिर बिजनेस शुरू करने के लिए करते हैं। ठीक है। एक्सपेंसेस द कॉस्ट विच बिजनेस इंकर्ड ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस और फॉर यूजिंग सर्विस इज कॉल्ड एक्सपेंस। एक्सपेंसेस किसे कहते हैं? तो एक्सपेंसेस जो कि एक्सपेंसेस उसे कहते हैं जो जो हमारे प्रोडक्ट और सर्विस को बनाने या फिर देने में खर्च होता है, तो उसको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। इनकम द अमाउंट विच इंक्रीज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड इनकम। अमाउंट जो ऐसा अमाउंट जो हमारे कैपिटल बढ़ाता है उसको हम इनकम कहते हैं। द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। और जो कि हमारा एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो, वो हमारा इनकम कहलाता है। डेटर द पर्सन फर्म ऑर्डर एन ऑर्गेनाइजेशन हु टेक्स गुड्स और सर्विस ऑन क्रेडिट फ्रॉम द बिजनेस आर कॉल्ड डेटर। डेटर किसे कहते हैं? जो ऐसा ऐसा पर्सन जो कि जिससे हमें पैसा लेना, वो हमारा डेटर होता है। जिससे हमको पैसा मिलता है उसे हम डेटर बोलते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिटर। क्रेडिटर कहता है पर्सन फर्म और ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम हुम गुड्स और सर्विस आर परचेस्ड ऑन क्रेडिट बाय बिजनेस आर कॉल्ड क्रेडिटर ऑफ ए बिजनेस। अब क्रेडिटर किसको बोलते हैं? ऐसे ऐसे पर्सन या फिर बिजनेस ऐसे पर्सन या फिर बिजनेस ओनर जिससे हमने क्रेडिट लिया, यानी कि उधार में माल खरीदा है या गुड्स खरीदा है और इसको हमें पेमेंट करना हो, तो वो हमारा क्रेडिटर होता है। गुड्स क्या होता है? द थिंग्स विच आर ब्रॉट एंड सोल्ड बाई ए बिजनेस आर कॉल्ड गुड्स। जिस चीज़ का हम लोग खरीदारी और बेचते हैं उसको हम गुड्स बोलते हैं। स्टॉक दिस आर द दोज गुड्स विच आर लेफ्ट अनसोल्ड इन द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर। ये ऐसे स्टॉक ऐसे गुड्स होते हैं जो कि सोल्ड नहीं होते हैं, अनसोल्ड रहते हैं, जिसको बेच नहीं पाते, वो किसी बार कारणवश मेरे गोडाउन में रखे रहते हैं, उसको हम स्टॉक बोलते हैं। द गुड्स आर अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर
कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक, जो साल के अंत तक बचे रहते हैं गुड्स, उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। परचेज, गुड्स ब्रॉट फॉर रीसेल आर कॉल्ड परचेज, गुड जो ब्रॉट करते हैं लेके आते हैं या फिर खरीदते हैं उसको बोलते हैं परचेजेस। दिस मे बी फ्रॉम ए रॉ मटेरियल और फिनिश गुड, ये जो भी होता है रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के रूप में होता है, जैसे कि हम फर्नीचर खरीद लेते हैं। सेल्स, व्हेन परचेज गुड्स आर सोल्ड इन ऑर्डर टू अर्न ए प्रॉफिट आर कॉल्ड सेल्स, जब हम परचेज गुड्स जो भी हम गुड्स खरीदते हैं उसको हम सेल कर देते हैं यानी किसी और को बेच देते हैं प्रॉफिट के उद्देश्य से, तो इसको सेल्स कहते हैं। व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश इट इज कॉल्ड कैश सेल्स, जब हम उसको कैश में बेचते हैं तो उसको कैश सेल्स बोलते हैं। एंड गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब उसको क्रेडिट में बोलते हैं यानी उधार में बेचते हैं तो उसको क्रेडिट सेल्स बोलते हैं। ट्रांजेक्शन, ए पीस ऑफ बिजनेस दैट इज डन बिटवीन पीपल, एक पीस ऑफ बिजनेस मतलब कि दो दो व्यक्ति के बीच लेन देन होता है उसको हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं बिजनेस के उद्देश्य से। ड्राइंग, द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स विच इज विड्रॉ बाय प्रोपराइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर इट्स प्राइवेट यूज इज कॉल्ड ड्राइंग। ड्राइंग किसे कहते हैं, जब कोई फर्म का ऑनर खुद के यूज के लिए कैश विड्रॉ करता है तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। वो कैश भी विड्रॉ कर ड्राइंग करे या फिर गुड्स भी विड्रॉ ड्राइंग करे, दोनों गुड्स भी विड्रॉ करे, दोनों को हम ड्राइंग ही बोलते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट, एवरी अकाउंट हैज़ ए टू साइड, लेफ्ट साइड इज कॉल्ड डेबिट एंड एंड द राइट साइड इज कॉल्ड द क्रेडिट साइड, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड लियर एंड द शील्ड। हम हर एक अकाउंट के दो साइड होते हैं, एक तो डेबिट साइड होते हैं, एक तो क्रेडिट साइड होते हैं, इसको जिसको हम शॉर्ट में डेबिट डी आर बोलते हैं, डेबिट को डी आर बोलते हैं और क्रेडिट को सी आर बोलते हैं।